बहुत जन ऐसा कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम इंग्लिश में वीक है और हम काफ़ी लो फील करते हैं, काफ़ी डिप्रेस फील करते हैं, काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा इसमें डिप्रेस्ड या डीमोटिवेटेड फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज चाइनीज़ है, उसके बाद स्पेनिश है, उसके बाद इंग्लिश है और उसके बाद हिंदी है। अभी आप इंग्लिश में कमज़ोर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार नहीं हो, इसका मतलब आप कोई और लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलते हो, उसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप उसका यूज़ कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री यूएस में जाके हिंदी में भाषण देकर आ जाते हैं, उन्हें कभी डिप्रेस्ड या डीमोटिवेटेड फील नहीं होता। और हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं, कई देशों के लीडर्स जाते हैं इंटरनेशनल समिट्स में, जहाँ पे जाके वो लोग अपने देश के लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो इसमें डीमोटिवेट या डिप्रेस्ड होने की कोई बात नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और आगे बढ़िए।